जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव लेक्चर। जो पहला मेरा लेक्चर है वो है आपका यूट्रस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होता है यूट्रस, है ना। तो यूट्रस के लिए इंट्रोडक्शंस, शेप, वेट, पोजिशन, मेजरमेंट, वॉल्यूम, वॉल, लेयर, पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड डेवलपमेंट, एबनॉर्मलिटीज, लिगामेंट, रिलेशन, ब्लड सप्लाई एंड अदर्स टर्मिनोलॉजी, ये हम करेंगे यूट्रस के पार्ट टू में। तो आओ स्टार्ट करते हैं नॉर्मल यूट्रस के बारे में। तो फर्स्ट, सबसे पहले यूट्रस को वॉम भी बोलते हैं। इसका और सिनोनिमस जो नेम है दैट इज़ अ वॉम, हिंदी में गर्भाशय, और इसी का एक और नाम है दैट इज़ योर हिस्टेरा। ये दोनों नाम है आपके यूट्रस के, द फर्स्ट नेम दैट इज अ वॉम और दूसरा नाम है दैट इज द हिस्टेरा। नाउ आगे बढ़ता हूं मैं, इट इज योर फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका जो ऑर्गन है दैट इज योर फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव की बात करूँ या मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूँ तो ये है आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, सेकंड जो होता है दैट इज योर इंटरनल, और थर्ड जो होता है दैट इज योर एक्सेसरी ऑर्गन। तो आपका यूट्रस कौन सा है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाउ यूट्रस की मैं बात करूं तो यूट्रस आपका होलो मस्कुलर पेल्विक ऑर्गन है। होलो मस्कुलर पेल्विक ऑर्गन है। होलो मतलब अंदर से खाली है। लाइक अगर मैं बात करूं दैट इज योर यूट्रस, तो ये अंदर से पूरा खाली है। दैट्स व्हाई इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन, बिकॉज ऑफ ये टोटल आपका बना होता है मसल से, है ना। और बिकॉज इट लाइज इन द पेल्विस, ये पेल्विक कैविटी में होता है, दैट्स व्हाई इट्स द पेल्विक ऑर्गन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आगे की तरफ इसके होता है ब्लैडर और इसके पीछे की तरफ होता है रेक्टम, ठीक है। दैट इज योर यूट्रस। यूट्रस का ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। ये फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके फीमेल में तीन तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ होते हैं, इंटरनल अंदर की तरफ, एक्सेसरी ऑर्गन जो एक्सटर्नल और इंटरनल को हेल्प आउट करते हैं। ये आपका होलो मस्कुलर पेल्विक ऑर्गन है जो आगे की तरफ जहाँ पे ब्लैडर होता है और पीछे की तरफ होता है आपका रेक्टम। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग द शेप। अगर मैं शेप ऑफ यूट्रस की बात करूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शेप ऑफ यूट्रस, नॉर्मल जो यूट्रस का शेप होता है वो होता है आपका पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म या मैं बोलूँ पियर शेप, नाशपति के आकार का। और अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट आंसर बोलूँ तो वो होता है आपका इन्वर्टेड पायरीफॉर्म, इन्वर्टेड पायरीफॉर्म, दैट इज योर शेप ऑफ यूट्रस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यूट्रस का शेप कौन सा होता है, तो ये आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिले दैट इज योर ऑप्शन होना चाहिए, पायरीफॉर्म, पियर शेप एंड इन्वर्टेड पायरीफॉर्म, करेक्ट है। बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ने से तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेट ऑफ यूट्रस, द वेट ऑफ यूट्रस। नॉर्मली मैं अगर यूट्रस का वेट बोलूं तो नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है वो होता है 50 से लेके 60 ग्राम। ये कौन सा है? आपका नॉन प्रेग्नेंट, अभी यूट्रस प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, दैट इज द नॉन प्रेग्नेंट। और अगर बहुत बार एग्जाम में आता है 40, 50, 60, 70, तब आपको राइट या क्लिक करना है, दैट इज 60 इज योर करेक्ट आंसर, वन आंसर, ओके। अगर मैं यही बात करूं नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, तो आपका जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, सॉरी नॉन प्रेग्नेंट नहीं, प्रेग्नेंट यूट्रस की मैं बात करूं, दैट इज योर 1000 ग्राम, है ना। कुछ कुछ बुक आपको 900 से 1000 ग्राम भी कहती है, 1900 to 1000 ग्राम। ये कौन सा है आपका? दैट इज योर प्रेग्नेंट यूट्रस। और इसमें जो मैंने बेस्ट आंसर बताया दैट इज द 1000 ग्राम, ओके। मैं एक और चीज़ आपको, बहुत सारे कोचिंग से बहुत सारी बुक्स इतनी सारी चीज़ें बता देती है, लेट्स एड इन, मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, जो आपका मल्टीपेरस, मल्टीपेरस जो वुमन्स होती है इन द सेंस जिन्होंने दो या दो से ज़्यादा बच्चे की डिलीवरी कर चुकी है, जो उनका यूट्रस होता है वो होता है आपका 80
ग्राम दैट इज योर वेट ऑफ यूट्रस। नॉर्मली जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है दैट इज 50 से लेके 60 ग्राम, प्रेग्नेंट यूट्रस की मैं बात करूँ दैट इज 1000 ग्राम, और मल्टीपेरस वुमन की यूट्रस की मैं बात करूँ दैट इज योर 80 ग्राम। बढ़ते हैं आगे पोजिशन में, तो यूट्रस की जो पोजिशंस होती है, यूट्रस की जो आपकी पोजिशन होती है वो होती है एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्स्ड, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्स, ठीक है। एंटी वर्जन का मतलब लीन फॉरवर्डेड मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, एंटी फ्लेक्स का मतलब होता है बेंट फॉरवर्डेड, थोड़ा आगे की तरफ बेंड होगा, दैट इज अ लीन फॉरवर्डेड और बेंट फॉरवर्डेड, ठीक है। दैट इज एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्स। अगर मैं पोजीशन की जहां मैंने बात करी यूट्रस की तो आपका एक ही आंसर जाएगा दैट इज एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्स पोजीशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द मेजरमेंट। अगर मैं यूट्रस के मेजरमेंट की मैं अगर बात करूं तो मेजरमेंट आपके नॉर्मली होते हैं 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर विड्थ और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस। यह है आपका लेंथ, यह है आपकी विड्थ और यह है आपकी थिकनेस। अगर इसी को अगर मैं इंचेस में कन्वर्ट करूं तो 3 × 1 इंचेस, एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं तो 3 7.5 सेंटीमीटर, 2 5 सेंटीमीटर और 1 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज योर लेंथ ऑफ यूट्रस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसमें मैंने छोटा सा और डिस्कस किया है। अच्छा, अगर मैं वेट यूट्रस के मेजरमेंट, ये आपके नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का है, यह है आपके नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ है। लेकिन अगर यही मैं प्रेग्नेंट यूट्रस की मैं बात करूं तो प्रेग्नेंट यूट्रस की जो लेंथ है वो कितने गुना बढ़ जाती है, 5 times बढ़ जाती है। मतलब ये कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके तो इसको सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर पार्ट्स ऑफ यूट्रस। ओके तो यूट्रस के होते हैं 4 पार्ट, दैट इज अ 4 पार्ट्स। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, इतनी अच्छी नहीं है। 4 पार्ट्स होते हैं, जो सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज योर फंडस, जो होता है आपका 1.5 सेंटीमीटर। सेकंड जो आपका पार्ट होता है दैट इज योर बॉडी, इसको कॉर्पस भी बोलते हैं। देखो कुछ बुक आपको अलग भी बोलेगी लेकिन जो एक्चुअल जो होता है दैट इज द बॉडी इज आल्सो नोन एज द कॉर्पस, जो होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर। थर्ड जो इसका पार्ट होता है दैट इज ए स्थमस, जो होता है आपका 0.5 सेंटीमीटर। और चौथा द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर सर्विक्स, जो होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसके लिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सर्विक्स कितने इंचेस होती है, तो कितना इंच होता है, 1 इंच, दैट इज योर 2.5 सेंटीमीटर। लेट डिस्कस 1 by 1 टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं फंडस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं फंडस। लेट ड्रॉ द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, ब्यूटीफुल तो नहीं होगा लेकिन देख लेते हैं। दैट इज योर फंडस, ओके। सो हियर इज योर यूट्रस। अगर मैं इसके पार्ट्स में अगर थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये है आपका फंडस जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज अ फंडस, दैट इज अ फंडस, दैट इज अ एफ। ये है आपका बॉडी, दैट इज अ 3.5 सेंटीमीटर, और यहां पे है आपका स्थमस, दैट इज अ 0.5 सेंटीमीटर, और इधर है आपकी सर्विक्स, दैट इज अ 2.5 सेंटीमीटर। यूट्रस के मेजरमेंट, ये आपके नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का है, ये है आपके नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ है। लेकिन अगर यही मैं प्रेग्नेंट यूट्रस की मैं बात करूं तो प्रेग्नेंट यूट्रस की जो लेंथ है वो कितने गुना बढ़ जाती है, 5 times बढ़ जाती है। मतलब ये कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके तो इसको सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द,
एक बार मैं इसको रब कर लेता हूं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पार्ट्स ऑफ यूट्रस। ओके, तो यूट्रस के होते हैं चार पार्ट, दैट इज अ फोर पार्ट्स। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, इतनी अच्छी नहीं है। फोर पार्ट्स होते हैं, जो सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज योर फंडस, जो होता है आपका 1.5 सेंटीमीटर। सेकंड जो आपका पार्ट होता है दैट इज योर बॉडी, इसको कॉर्पस भी बोलते हैं। देखो कुछ बुक आपको अलग भी बोलेगी, लेकिन जो एक्चुअल जो होता है दैट इज द बॉडी इज आल्सो नोन एज द कॉर्पस, जो होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर। थर्ड जो इसका पार्ट होता है दैट इज ए स्थमस, जो होता है आपका 0.5 सेंटीमीटर। और चौथा द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर सर्विक्स, जो होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसके लिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सर्विक्स कितने इंचेस होती है, तो कितना इंच होता है 1 इंच, दैट इज योर 2.5 सेंटीमीटर। लेट डिस्कस वन बाय वन टॉपिक। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं फंडस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं फंडस। लेट ड्रॉ द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, ब्यूटीफुल तो नहीं होगा लेकिन देख लेते हैं। दैट इज योर फंडस, ओके। सो हियर इज योर यूट्रस। अगर मैं इसके पार्ट्स में अगर थोड़ा सा आपको बता दूं, तो ये है आपका फंडस जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, दैट इज अ फंडस, दैट इज अ फंडस, दैट इज अ एफ। ये है आपका बॉडी, दैट इज अ 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे है आपका स्थमस, दैट इज अ 0.5 सेंटीमीटर। और इधर है आपकी सर्विक्स, दैट इज अ 2.5 सेंटीमीटर। ये है आपकी सर्विक्स, ये है आपका स्थमस। ओके, सो ये आपके चार पार्ट है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज योर फंडस, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी या फंडस की। ओके, तो फंडस की अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज योर वाइडेस्ट पार्ट। ये आपका वाइडेस्ट पार्ट है यूट्रस का, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो इट इज योर डोम शेप। ये किस शेप का होता है, आपका डोम शेप। एक आपका डायफ्राम डोम शेप का होता है, दूसरा आपका डोम शेप का कौन है, ये आपका फंडस। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एट द कॉर्नर लाइक हियर। मैं और थोड़ा सा अच्छे से बताता हूं आपको, एट हियर अगर आप मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इस वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्नो ऑफ यूट्रस। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉर्नो ऑफ यूट्रस। सी इट इज योर कॉर्नो, सी ओ कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, यूट्रस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हियर एंड हियर, दैट्स कॉल्ड द कॉर्नो ऑफ यूट्रस। और फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं ट्यूबल ऑस्टिया, इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया। ट्यूबल ऑस्टिया मतलब जहां पे ट्यूब की ओपनिंग हो, ऑस्टिया का मतलब होता है ओपनिंग। हियर इज योर फेलोपियन ट्यूब, आप देखोगे तो हियर इज योर फेलोपियन ट्यूब, तो ट्यूबल की ओपनिंग ऑलमोस्ट यहीं कहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबल ऑस्टिया। नाउ अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर पेसमेकर ऑफ यूट्रस, तो क्या आंसर जाएगा, ट्यूबल ऑस्टिया और कॉर्नो ऑफ यूट्रस। इसी को मैंने बोला है, जैसे इसी को बोलते हैं पेसमेकर ऑफ यूटरस, पेसमेकर ऑफ यूट्रस, ठीक है। पेसमेकर ऑफ यूट्रस इन द सेंस व्हाट, कि भाई यहीं से आपके कंट्रैक्शन रिलीज होंगे और इट वेंट टू द डाउनवर्ड, यहां से कंट्रैक्शन स्टार्ट हुए और आपके कहां गए, नीचे की तरफ, सर्विक्स की तरफ। जैसे अगर आप पेसमेकर ऑफ हार्ट की बात करो, तो पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या होता है, आपका एसए नोड। इसका मतलब क्या है कि भाई साइनो एट्रियल नोड ही आपका कंट्रैक्शंस को स्टार्ट करता है, कंडक्शन को स्टार्ट करता है, दैट्स वाई द एसए नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट। अगर मैं किडनी के पेसमेकर की बात करूं, दैट इज द मेसेंजियल सेल,
मेसेंजियल सेल इज द पेस मेकर ऑफ किडनी। तो मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, तो ये जो ट्यूबल ऑस्टिया है, जो कॉर्न ऑफ यूट्रस है, इसी को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ यूट्रस। ये एग्जाम में बहुत बार आपके पूछा गया है। देखो मैं आपको लगे हाथ क्वेश्चंस भी बताते जा रहा हूँ, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे और कौन कौन से आ चुके हैं। इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट, पहली बात। इट इज़ अ पेस, यहाँ पे जो ट्यूबल ऑस्टिया होता है, दिस इज अ ट्यूबल ऑस्टिया। कॉर्नू ऑफ यूट्रस मतलब कॉर्नू है, कॉर्नर है यूट्रस के, दैट इज द कॉर्नू ऑफ यूट्रस। नो, थोड़ा सा मैं और डीप में जाना चाह रहा हूँ फंडस पे ही। फंडस पे तीन स्ट्रक्चर्स आपके जुड़ती है, सॉरी फंडस पे नहीं, कॉर्नू ऑफ यूट्रस पे तीन स्ट्रक्चर्स जुड़ती है। मैं उसको रब करते हैं और थोड़ा सा कॉर्नू ऑफ यूट्रस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉर्नू ऑफ यूट्रस दैट इज योर हियर इज पार्ट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे और बता रहा हूँ। दैट इज योर कॉर्नू ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, दैट इज योर लाइक दैट, लाइक दैट, ओके, दैट इज अ वेरी नाइस, ओके, ठीक है। नाउ तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, दैट इज योर कॉर्नू ऑफ यूट्रस। तो यहां से आपकी तीन स्ट्रक्चर जो होती है वो कनेक्ट होती है। एक स्ट्रक्चर दैट इज जो आपकी होती है जिसका नाम है राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि कॉर्नू ऑफ यूट्रस के साथ तीन स्ट्रक्चर जो होती है वो अटैच होती है। जो पहली स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, राउंड लिगामेंट। हम लिगामेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कॉर्नू ऑफ यूट्रस से कितने स्ट्रक्चर अटैच होती है। तो सेकेंड जो स्ट्रक्चर जो अटैच होती है दैट इज योर ऑब्वियस है, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। और जो थर्ड स्ट्रक्चर जो आप इसके साथ अटैच होती है वो अटैचमेंट जिसका नाम है दैट इज योर ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो होती है वो किससे अटैच होती है, आपके कॉर्नू ऑफ यूट्रस। मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूं, अगर आपको याद नहीं रहे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, दैट इज RTO, RTO रोड ट्रैफिक ऑफिस नहीं है, रोड ट्रैफिक जो भी है, दैट इज योर राउंड लिगामेंट, दैट इज आर फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से टी लिया गया है, और ओ फॉर द ओवेरियन लिगामेंट। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी जुड़ती है कॉर्नू ऑफ यूट्रस से, ठीक है। यहाँ से जो बेस्ट पार्ट आता है दैट इज योर वाइडेस्ट पार्ट है, डोम शेप का पार्ट है ना। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ यूट्रस दैट इज योर बॉडी, और इसी को बोलते हैं कॉर्पस। इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस। किसी कोई कोई आपको यहां से थोड़ा सा ऊपर बता देगा दैट इज अ कॉर्पस, ओके, लेकिन डजंट मीन, ये आपका होता 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। बॉडी के अंदर ही अगर आप थोड़ा सा इसको यूं देखो तो ट्राइंगुलर, ये जो ट्राइंगुलर एक कैविटी होती है ना, जो उसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। बॉडी के अंदर ही, बॉडी में ही आपकी होती है यूटेराइन कैविटी। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं दैट इज योर ट्राई एंगुलर। अगर मैं इसके अपेक्स की बात करूं तो तिखुना पार्ट है अपेक्स, वो आपका नीचे की तरफ होता है, और बेस होता है वो होता है आपका ऊपर, दैट इज योर बॉडी। नाउ चूंकि अगर यूटेराइन कैविटी की बात निकली है तो यूटेराइन कैविटी होती है आपकी 6.527 सेंटीमीटर। द वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी। आप लेंथ ऑफ यूटेराइन कैविटी को इस तरीके से देख सकते हैं, इस पूरे पार्ट में से अगर आप फंडस को निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा यूटेराइन कैविटी की लेंथ, ओके। नाउ बॉडी से पहला क्वेश्चन कौन सा, 3.5 सेंटीमीटर होता है, ट्राइंगुलर शेप, यूटेराइन कैविटी होता है, कितनी लेंथ होती है उसकी, 6.5 टू द 7 सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात करूं तो इट इज योर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, आपका बॉडी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे स्थमस में, तो लेट डिस्कस अगेन द नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है दैट इज योर स्थमस, है ना। तो लेट डिस्कस द स्थमस। सो नाउ अगर मैं स्थमस की बात करूं तो स्थमस इसकी लेंथ की बात करूं दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। स्थमस एक तरीके का कनेक्शन है बिटवीन द बॉडी और सर्विक्स के बीच का, है ना, बॉडी और सर्विक्स के बीच में एक कनेक्शन है दैट इज योर स्थमस।
ठीक है, स्टमक के बारे में इतना बहुत है, कुछ चीज़ें हम इसके लिए सर्विक्स में और डिस्कस करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं सर्विक्स के बारे में। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है दैट इज़ योर सर्विक्स। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सर्विक्स होता है, इट इज़ अ लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ अ 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, दैट इज़ अ 1 इंच। बहुत बार एग्जाम में इंच के नाम से भी पूछ लिया जाता है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच और 4 इंच जो भी है, तो द करेक्ट आंसर इज़ योर 1 इंच। ठीक है, अगर मैं प्रेगनेंसी में बात करूँ तो एट प्रेगनेंसी में इसी सर्विक्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाती है। कितने सेंटीमीटर हो जाती है? 4 सेंटीमीटर। नॉन प्रेग्नेंट में 2.5 सेंटीमीटर और प्रेगनेंसी में दैट इज़ अ 4 सेंटीमीटर। नाउ आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं बिफोर प्यूबर्टी की बात करूँ, प्यूबर्टी से पहले, बिफोर प्यूबर्टी की मैं बात करूँ, तो सर्विक्स आपकी, सर्विक्स की जो लेंथ है वो आपके कॉर्पस या बॉडी से ज़्यादा होता है। आप ऐसे समझिए, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले सर्विक्स की लेंथ आपकी कॉर्पस से ज़्यादा होती है, दैट इज़ योर सर्विक्स लेंथ। आओ थोड़ा इसी के बारे में डिस्कस कर देते हैं, हाउ द लेंथ। तो ये मैं देख रहा हूँ बिफोर प्यूबर्टी में क्या रेशो होता है कॉर्पस का, और दैट इज़ योर कॉर्पस एंड सर्विक्स रेशो, कॉर्पस एंड सर्विक्स रेशो। बिफोर प्यूबर्टी होता है आपका 1:2, यहाँ पे आपकी सर्विक्स बड़ी है और कॉर्पस या बॉडी आपकी छोटी है। अगर मैं बात करूँ एट प्यूबर्टी की तो नाउ एट प्यूबर्टी अब आपका कॉर्पस बड़ा होता है और सर्विक्स छोटी होती है, जो रेशो होता है दैट इज़ द 2:1 का रेशो होता है। और अगर मैं एडल्ट की बात करूँ तो एट अडल्ट, वेरी नाइस, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एट अडल्ट ये होता है आपका 3:1, या कुछ बुक आपको 4:1 भी बोलती है। अगर बेस्ट आंसर जाना तो आप तो 3:1 में ही जाइए। तो ये है आपका सर्विक्स। ठीक है, कुछ और डिस्कस करते हैं सर्विक्स के बारे में। अगर मैं सर्विक्स की बात करूं तो सर्विक्स आपके दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सो सर्विक्स और दूसरा होता है आपका एंडो सर्विक्स। एक्सो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स। एक्सो का मतलब बाहर, इसको किसी किसी बुक में पोर्शियो वेजाइनलिस भी बोलते हैं, पोर्शियो वेजाइनलिस। ठीक है, ओके, समझते हैं एंडोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स किसको कहते हैं? एंडोसर्विक्स सर्विक्स का वो पार्ट है जो आपका यूट्रस के अंदर होता है, विच लाइज अंडर द यूट्रस, दैट इज योर एंडो। एंडो का मतलब वो है अंदर। एक्सोसर्विक्स द पोर्शन ऑफ सर्विक्स जो कहाँ पे है, वेजाइना की तरफ। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से थोड़ा सा बता देता हूँ हाउ इट्स लुक लाइक। ओके, सो लुक एट दिस, आप यहां से थोड़ा सा समझ पाएंगे। ओके, सपोज करो हियर इज योर सर्विक्स, दिस इज योर सर्विक्स, है ना, और दिस इज पार्ट ऑफ वेजाइना। तो ये वाला पार्ट जो आपका यूट्रस के साथ कनेक्टेड इज अ बॉडी, तो ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम एंडोसर्विक्स। वाई इट इज एंडोसर्विक्स? बिकॉज इज कनेक्टेड विद द यूट्रस, है ना, यूट्रस के साथ है। और ये वाला आपका पोर्शन जहां पे, ये वाला इज पार्ट ऑफ वेजाइना, इट इज अ फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना। तो इस वाले पोर्शंस को बोलते हैं एक्सो सर्विक्स। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सो सर्विक्स, क्योंकि ये सर्विक्स इसके कॉन्टेक्ट में आ रही है वेजाइना के, दैट इज योर एक्सो सर्विक्स। तो ये है आपका एंडो सर्विक्स, ये है एक्सो सर्विक्स। पोर्शियो वेजाइनलिस आपका ये वाला पार्ट है, दैट इज योर पोर्शियो वेजाइनलिस, है ना। तो ये है आपका कुछ सर्विक्स के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, थोड़ा सा और सर्विक्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ओके, अगर मैं एंडोसर्विक्स की बात करूं तो एंडोसर्विक्स इज लाइंड बाय, जो अंदर वाली जो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है सर्विक्स, दैट लाइंड बाय कॉल्यूमिनार एपिथिलियम, कॉल्यूमिनार एपिथिलियम। और जो एक्सो सर्विक्स है दैट लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथिलियम, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वैमस एपिथिलियम। ठीक है, नाउ लेट वी आर डूइंग डिस्कस अगेन अबाउट द सर्विक्स। अगर सर्विक्स के मैं ऑस मतलब ओपनिंग की बात करूं तो सर्विक्स में दो तरीके के ऑस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ऑस,
एक होता है इंटरनलॉस। देखो अगर आपको एंडोर एक्सोसर्विस समझ में आ गया है तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट डिस्कस एक्सटर्नल ऑस क्या होता है। लेट आउट डिस्कस एक्सटर्नल ऑस, जब आपकी सर्विक्स किसके साथ कांटेक्ट में है, किसके साथ कंटिन्यूम में आती है, अबाउट द वेजाइना। जब सर्विक्स आपकी ओपन होती है वेजाइना में, वहां पे जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑस बिफोर प्रेगनेंसी होती है पिन पॉइंट और एट आफ्टर द प्रेगनेंसी ये होती है ट्रांसवर्स और स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स। मल्टीपेरस वुमन में होती है आपकी ट्रांसवर्स एंड स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है आपकी मल्टीपेरस में। ओके, सो हियर इज द थिंग्स। एक्सटर्नल ऑस, जब सर्विक्स आपकी वेजाइना में कंटिन्यू होती है वहां पे एक ऑस होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। आओ चर्चा करें इंटरनल ऑस। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज द इंटरनल ऑस। मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं इंटरनल ऑस। ओके, इंटरनल ऑस जब आपकी सर्विक्स ओपन होती है कहां पे, यूट्रस या एंडोमेट्रियम में। सर्विक्स ओपन इनटू द यूट्रस या एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियम इज अ लेयर ऑफ यूट्रस, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ओके, इंटरनल ऑस आपके दो तरीके का होता है, एक होता है एनाटॉमिकल ऑस और एक होता है आपका हिस्टोलॉजिकल ऑस। समझते हैं क्या होता है एनाटॉमिकल ऑस। एनाटॉमिकल इन द सेंस कि जब वाया एनाटॉमिकली सर्विक्स एंटर इनटू या यूट्रस कन्वर्ट इनटू द या यूट्रस का वो वाला पार्ट है, सर्विक्स का वो वाला पार्ट जो अटैच होता है किससे, यूट्रस से, और वो वहां पे ओपनिंग जो होती है दैट इज योर एनाटॉमिकल ऑस। हिस्टोलॉजिकल ऑस समझते हैं एक डायग्राम से। हिस्टोलॉजिकल ऑस सपोज करो मैं यही बता रहा हूं या इधर बता देता हूं, मैं यहां डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मेरे पास है दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब मैं रोज ऐसे वीडियो में लाता रहूंगा, ठीक है। नाउ मैं इसको यहां ला रहा हूं, दैट इज योर बॉडी, है ना, ये यूट्रस की, देयर इज योर फैलोपियन ट्यूब लाइक दैट, है ना। ओके, तो यहां मैं अभी इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को थोड़ा सा जूम करके यहां बता रहा हूं आपको, है ना। ये पोर्शन आपको यहां जूम कर रहा हूं लाइक दैट। ओके, सो तो ये वाला पार्ट है आपका कौन सा, एंडोसर्विक्स का, और ये वाला पार्ट है आपका एक्सोसर्विक्स का। क्लियर है ना। अब मैंने क्या बोला, जब व्हाट इज द एक्सटर्नल ऑस, जब आपकी सर्विक्स इसके साथ ओपनिंग होती है यहां पे दैट इज द वेजाइना के साथ, वहां पे जो ओपनिंग होती है दैट इज योर एक्सटर्नल ऑस। व्हाट इज द इंटरनल ऑस, जो एनाटॉमिकल ऑस है, एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस, वो क्या होता है, जब आपकी सर्विक्स किसके साथ ओपन होती है लाइक यार एंडोमेट्रियम या यूट्रस के साथ, मोटे मोटे तौर में देखो आप यूट्रस के साथ, दैट इज योर एनाटॉमिकल ऑस। व्हाट इज द हिस्टोलॉजिकल ऑस, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, समझना। हिस्टोलॉजिकल ऑस क्या होता है, जब हिस्टोलॉजिकली, द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन द हिस्टोलॉजिकल यूट्रस की जो लेयर है दैट कन्वर्ट इनटू द सर्वाइकल लेयर, इन द सेंस कि जो यूट्रस में आपकी कॉल्यूमिनर स्पेशली सिलिएटेड कॉल्यूमिनर होती है, कॉल्यूमिनर एपिथिलियम इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वेमस एपिथिलियम, उसको हम बोलते हैं इंटरनल हिस्टोलॉजिकल ऑस। ओके, सपोज करो लेट्स रब कर दैट इज योर एंडोमेट्रियम। सपोज करो हियर इज योर कॉल्यूमिनर एपिथिलियम, और कॉल्यूमिनर एपिथिलियम कन्वर्टेड इनटू स्क्वेमस एपिथिलियम, मतलब यहां पे होता है आपका हिस्टोलॉजिकल ऑस। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि भाई जब भी कभी कॉल्यूमिनर एपिथिलियम इज कन्वर्टेड इनटू द स्क्वेमस एपिथिलियम, और इस यहां पे जो
यहां ये सेल किसमें ट्रांसफॉर्म हुई, इस सेल में, तो इसके जो बीच का जॉन होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ सर्विक्स, ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ सर्विक्स। दोस्तों यहां पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन ही द मोस्ट कॉमन साइट है कैंसर ऑफ सर्विक्स की। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सर्विक्स की मोस्ट कॉमन साइट कहां पे कैंसर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन पे। ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या होता है, जब एक टाइप की सेल दूसरे टाइप में चेंज होती है दैट्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो ये है आपके ओस, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस, है ना, और ये है आपकी कंप्लीट सर्विक्स। क्लियर है? अब मैं रब करता हूं। Now we are discussing about the wall of uterus and the layer of uterus. Part 1 का ये दोनों last topic है, आओ discuss करते हैं इसके बारे में क्या होता है। ओके, द वॉल ऑफ यूट्रस, अगर मैं यूट्रस की वॉल्व की बात करूँ, वॉल की बात करूँ, तो देर इज अ फोर वॉल, चार दीवारें होती है, आगे वाली होती है एंटीरियर वॉल, पीछे वाली होती है पोस्टीरियर वॉल, और दो आपके साइड बाय साइड वॉल होती है दैट इज द टू लैटरल वॉल, है ना। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना तो शेयर कर लीजिए, आपकी मर्जी है, नहीं करो तो भी मस्त रहो यार। ओके नाउ इच वॉल, हर वॉल की तीन लेयर होती है। अगर मैं हर एंटीरियर वॉल की बात करूं, पोस्टीरियर वॉल की बात करूं, और लैटरल वॉल की मैं अगर मैं बात करूं, तो हर वॉल की तीन लेयर होती है। दैट इज द सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज योर पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर जिसका नाम क्या है पेरी, पेरी का मतलब होता है आउटर, मैट्रियम का मतलब होता है लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। नाउ जो बीच वाली लेयर होती है द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज योर मायोमेट्रियम, और मायो का मतलब होता है मसल्स, मतलब ये वाली जो लेयर है इज मेनली मेड बाय द स्मूथ मसल, मस्कुलर लेयर है। और थर्ड जो लेयर होती है दैट इज योर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडो का मतलब होता अंदर, मेट्रियम मतलब होता लेयर ऑफ यूट्रस। ओके एक एक करके डिस्कस करते हैं, आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दैट इज द पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की, पहली बात। दूसरी बात द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपकी सीरस लेयर है, ये आपकी कौन सी लेयर है, सीरस लेयर जो बनाता है आपका पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो लेयर है उसी से आपकी पेरीमेट्रियम बनती है। लेट्स अनादर मार्कर, ओके हियर इज अनादर मार्कर, पेरीमेट्रियम। ओके सो पेरीमेट्रियम आपकी जो है दैट इज द सीरस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, लेयर है। अगर मैं इसको एंटीरियरली बोलूँ, लेट्स सी अ डायग्राम लाइक दैट, सपोज करो दैट इज अ यूट्रस, ओके हियर लाइक दैट और लाइक दैट, थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं क्या चीज मैं बनाना चाह रहा हूं। ओके लाइक दैट, ओके तो हियर इज योर ब्यूटीफुल यूट्रस, है ना, ये है आपका यूट्रस, ठीक है। तो पेरिटोनियम जो लेयर है वो आगे की तरफ आके एक तरीके का ऐसा पाउच बनाती है लाइक दैट ओके, और इस पाउच को बोलते हैं, इस पाउच को देखो, ये है आपका ब्लैडर, आगे की तरफ मैंने स्टार्टिंग में बताया था आगे की तरफ ब्लैडर होता है, पीछे की तरफ होता है आपका रेक्टम, है ना। तो आगे की तरफ जो पाउच बनता है बिटवीन द ब्लैडर एंड द यूट्रस दैट इज द यूटेरो वेसिकल पाउच, यूटेरो वेसिकल पाउच, एंटीरियरली जो पाउच बनता है उस पाउच का नाम क्या है, यूटेरो वेसिकल पाउच, यूटेरो मतलब यूट्रस, वेसिकल मतलब ब्लैडर, और पाउच मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो पेरिटोनियम आगे की तरफ क्या बनाता है,
यूटरोवेसिकल पाउच। ओके, अगर मैं पीछे की तरफ मैं बात करूं तो ऐसे ही पीछे भी एक पाउच बनाता है, यही पेरिटोनियम, जिसको बोलते हैं, ये है आपका रेक्टम, ये है आपका यूट्रस। तो इसका जो नाम है द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो यूटेराइन पाउच माय डियर स्टूडेंट। इसी का नाम है पाउच ऑफ डगलस, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, पाउच ऑफ डगलस। और इसी का तीसरा नाम है, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसी का तीसरा नाम है दैट इज योर, मैं यहां पे ऊपर थोड़ा सा आएगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं इधर की तरफ, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। पाउच ऑफ डगलस का ही नाम है दैट इज योर कल्डोसेक, कल्डोसेक इसी को बोलते हैं। अच्छा, अगर इसमें से अगर फ्लूड एस्पिरेट करो दैट इज योर कल्डोसेंटेसिस, जो आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम इसका यूज करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब हम डिस्कस करेंगे। तो जो पोस्टीरियर की तरफ जो पाउच बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टो यूटेराइन पाउच, बिकॉज ऑफ बिटवीन द रेक्टम एंड यूट्रस के बीच में है, इसी को पाउच ऑफ डगलस, क्योंकि डगलस का, डगलस गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पाउच के बारे में बताया था, दैट इज द पाउच ऑफ डगलस, और इसी को बोलते हैं कल्डोसेक। और अगर इसमें से अगर आप फ्लूड का एस्पिरेट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कल्डोसेंटेसिस, क्लियर। और जो लेटरल की तरफ आपका पेरिटोनियम जो बनाती है दैट इज अ ब्रॉड लिगामेंट, हम लिगामेंट में इस पूरे में डिस्कस करेंगे ब्रॉड लिगामेंट कैसा होता है, और अगर मुझे कुछ एडिटिंग आई तो मैं थोड़ा सा इमेज ऐड करने की कोशिश करूंगा। आओ, तो दिस ऑल अबाउट द पेरीमेट्रियम। नाउ अब मैं इसको कंप्लीट तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो आओ डिस्कस करते हैं अबाउट द मायोमेट्रियम। ओके, मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मायोमेट्रियम इज द मिडल लेयर, और मायो का मतलब होता है मसल्स, मतलब यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स का एक बंडल होता है, मसल्स का, स्मूथ मसल्स का बंडल होता है। ओके, अगर मैं स्मूथ मसल्स के बंडल में भी देखूँ तो ये आपकी स्मूथ मसल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मिडल लेयर, है ना, इट इज़ अ मिडल लेयर, और ये किसका बंडल होती है, स्मूथ मसल का। अगर स्मूथ मसल्स में भी बात करूँ तो इसमें तीन टाइप की होती है, आउटर मोस्ट जो मसल्स होती है वो होती है आपकी लॉन्जिट्यूनल मसल्स होती है, लॉन्जिट्यूनल मसल्स फाइबर होते हैं। मिडल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अ मिडल, दैट इज अ इंटरलेसिंग फाइबर, इंटरलेसिंग मसल्स फाइबर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनर जो होती है, इनर जो लेयर होती है दैट इज योर, इनर जो मसल्स होती है वो होती है आपकी सर्कुलर मसल फाइबर। सो माय डियर फ्रेंड, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट द इंटरलेसिंग मसल। देखो, इंटरलेसिंग मसल्स ये जो होती है वो होती है फिगर ऑफ एट में, फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये कौन सी फिगर में होती है, फिगर ऑफ एट, मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ फिगर ऑफ एट लाइक दैट। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा होगा तो दैट इज द रेक्टो यूटेराइन पाउच, है ना। ओके, मैं फिगर ऑफ एट बना रहा हूं, ओके लाइक दैट, ये है आपका फिगर ऑफ एट। अगर आप इसको, ये ऐसे ही होता, अगर आप इसको यू रखोगे तो आपको फिगर ऑफ एट दिखेगा। इसी को बोलते हैं लिविंग लाइगेचर, इसी को बोलते हैं लिविंग लाइगेचर, लिविंग लाइगेचर, क्योंकि फिगर ऑफ एट, या इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस फैशन, ये जो मसल्स फाइबर होते हैं वो कौन से फैशन में होते हैं, क्रिस क्रॉस फैशन, है ना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर ऑफ एट है, फिगर ऑफ एट में अरेंज रहते हैं, लिविंग लाइगेचर कहते हैं, और क्रिस क्रॉस फैशन में एक दूसरे के अंदर क्रॉसिंग होती है। ओके, व्हाई इट्स कॉल्ड द लिविंग लाइगेचर, देखते हैं कि उसको लिविंग लाइगेचर कहते हैं। जैसे ही आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यूट्रस जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो जारी होती है, तो ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये जैसे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये फाइबर किस पे प्रेशर डालेगा, इस वेसल्स पे, इस ब्लड वेसल्स पे, तो इनका डायमीटर अपने आप क्या होगा, इस पे कंप्रेशन होगा, इनका डायमीटर कम होगा, और जो ब्लड लॉस होने वाला होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जो ब्लड लॉस होता है
वो कम होगा किसकी वजह से, लिविंग लाइगेचर की वजह से, लाइगेट कर देगी ब्लड वेसल्स को, दैट्स कॉल्ड द लिविंग लाइगेचर। चूंकि ब्लड लॉस कम होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी बंद हो जाएगी या रुकेगी, दैट इज द पीपी एड, दैट इज अ पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, जब आपका डिलीवरी के दरमियान, वेजाइनल डिलीवरी के दरमियान अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए एट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, अगर सिजेरियन सेक्शन हो तो 1000 ml से ज़्यादा हो जाए, अगर हिस्टरेक्टमी हो और उसमें अगर 1500 ml से ज़्यादा हो जाए, अगर मैं बात करूँ ट्विंस बेबी है और वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, अगर उसमें भी अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, दैट्स ऑल आर द PPH। तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो PPH को रोकने में कौन काम करता है, आपका इंटरलेसिंग मसल्स, क्योंकि इसमें ये एक तरीके से क्या है, लिविंग लाइगेचर है ना। तो दैट ऑल आर अबाउट अवर मायोमेट्री। आओ डिस्कस करें, डिस्कसेंगे अबाउट द एंडोमेट्री। अच्छा एक और चीज़, मायोमेट्रियम के जो इंटरलेसिंग फाइबर हैं इन्हीं पे होता है आपका ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर, इन्हीं पे क्या होता है ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन आएगा इनसे जुड़ेगा तभी से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। और स्टार्ट कर देता है इनर मोस्ट लेयर दैट नोन एज द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इनर मोस्ट लेयर। सेकंड थिंग इज एट द प्रेगनेंसी में इसको बोलते हैं डेसीडुआ, डेसीडुआ इन द सेंस कि जो भी चीज शेड ऑफ होने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, डेसीडुआ। एंडोमेट्रियम को भी तीन लेयर में डिवाइड करते हैं, कुछ बुक दो कहती है, कुछ तीन करते हैं, दोनों तीनों डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली है दैट इज स्ट्रैटम, स्ट्रैटम, मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग की प्रॉब्लम रहेगी बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, इसी को फंक्शनलिस लेयर भी बोलते हैं, फंक्शनलिस लेयर भी बोलते हैं। स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम में क्या होता है, हर महीने ड्यूरिंग मेस्ट्रुअल साइकिल, हर मंथ जो मेस्ट्रुअल साइकिल आती है उसमें जो लेयर शेड ऑफ होती है, सपोज करो ये मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, सपोज करो दिस एंडोमेट्रियम लेयर है ना, एंडोमेट्रियम की भी मैंने आपको दो या तीन लेयर बता रहा हूँ, तो सपोज करो देयर इज अ फर्स्ट लेयर, देयर इज अ सेकंड लेयर एंड देयर इज अ थर्ड, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये इज अ थर्ड लेयर, ठीक है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर मैं बता रहा हूँ। तो हर महीने जो शेड ऑफ होती है, जो लेयर हर मेस्ट्रुअल साइकिल्स के फीमेल्स के शेड ऑफ होती है, वो लेयर कौन सी होती है आपकी, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, ठीक है। जो इसके बाद एक और लेयर होती है दैट इज द स्ट्रैटम, स्ट्रैटम बेसालिस, स्ट्रैटम बेसालिस जिसको बोलते हैं बेसल लेयर, ओके। आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसको इस वाली लेयर को हटा रहा हूं, ये है आपकी जो हर महीने शेड ऑफ होने वाली थी, दैट इज स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, और इसके बाद जो लेयर होती है दैट इज स्ट्रैटम बेसालिस, मैं रेड से यूज करता हूं, स्ट्रैटम बेसालिस, हर महीने जब ये शेड ऑफ हो जाती है तो वापस रीजनरेशन का काम, द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ रीजनरेटिव लेयर, हर महीने जो रीजनरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रैटम बेसालिस की वजह से या बेसल लेयर की वजह से, इस लेयर से वापस हर महीने रीजनरेशन होना स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटम बेसालिस। कुछ लोग एक तीसरी लेयर भी बताते हैं जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको बोलते हैं स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम, स्ट्रैटम स्पॉन जियोसम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियसम इन दोनों के बीच में होती है और यहीं से आपका प्लेसेंटल सेपरेशन होता है, इज द लेयर जहां से क्या होता है प्लेसेंटल सेपरेशन। तो दिस आर द थ्री लेयर ऑफ योर एंडोमेट्रियम, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डिस्कस किया फर्स्ट यूट्रस के लेक्चर पार्ट वन में, इंट्रोडक्शन, शेप, वेट, पोजीशन, मेजरमेंट, पार्ट, वॉल और लेयर। यूट्रस के सेकंड पार्ट में मैं डेवलपमेंट, कैसे डेवलप होता है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कौन कौन से लिगामेंट्स इससे अटैच होते हैं, क्या इसके रिलेशन है, क्या ब्लड सप्लायर, क्या अदर टर्मिनोलॉजी है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये है हमारा यूट्रस का पार्ट वन। Thank you so much.